आम ही रहिए लेके जाना पढ़ने के लिए नहीं कही जाती हालात यूपी के आप नहीं सारे जानते हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ पुलिस सबके चले वही न्याय हो चल रहा चल रहा पूरी दुनिया देखेगी इसको। महल के एक लड़का काय पे बिहार से खंड से आपका क्या भावनात्मक मकसद है किस आधार पे आप यहाँ बच्चों को बात करने के लिए यहाँ जो है तो बात यह है पूरा पाठ वाली बात अगर करेंगे वो सबूत नहीं दे पाएंगे। अभी मैं सारी किताबें आपकी मंगाऊंगा आप ही लाएंगे सही बुखारी सही मुस्लिम लेके आइए। मैं पूछता हूँ जितनी हदीसें आप बयान कर रहे हैं साबित करके दिखा दीजिए। वो अपनी हार लिख के दे देंगे सबके सामने। सुना ये बोलते हैं हिंदू काफिर सिया काफिर हम लोग सिया समझते हैं ठीक है। ये बोलते हैं हिंदू काफिर सिया काफिर नहीं बन नहीं सकता काफिर इसलिए कि तराबी नहीं। तो ये जो वीडियो है आप लोग पूरा देखेगा तभी समझ में आएगा। इसमें दो आदमी हैं जो इनके डॉक्यूमेंट से पता चला ये झारखंड से हैं और ये हमारे यहाँ बगल में एक बस्ती है जो कि डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में फूलपुर के तहसील फूलपुर है और थाना पवई है। पवई के करीब ही गांव है एक नंदेसर उसी के बगल नटहिया एक गांव है और नटहिया गांव में एक आदमी है लाल मोहम्मद नट है उसके घर पे ये लोग रुके हैं और पता नहीं कब से रुके थे मुझे पता नहीं है क्लियर। लेकिन ये लोग इन लोगों का काम क्या है कि ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा कम जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। मान के चलिए ये लोग इनका कहने का मतलब ये है कि हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं और सही से प्रचार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं ऐसी बात नहीं है इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं आप प्रचार कीजिए। लेकिन जब वहीं इस्लाम के जानने वाले से मुलाकात इनकी हुई तो उसमें तूतू मैमै होने लगी। तो जब तूतू मैमै होने लगी तो सभी लोग इकट्ठा हुए और वहाँ बातचीत हुई तो पता चला कि ये लोग उस गांव से 10-15 लड़के को ले जा करके मतलब अपने यहाँ ले जाने वाले थे। तो अब ले जा पाएंगे कि नहीं क्योंकि हम लोग जब तक थे तब तक तो कुछ नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें। अच्छा ये लोग का पूरा गैंग है कई जगह ये लोग बिखरे हैं कई जगह ये लोग घूम करके ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि जो लोग इनके बातों में आए। अच्छा इनके पूरी बातचीत की वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन लोगों का मकसद क्या है क्या मैटर है। हम लोग जब इनसे आधार कार्ड मांगे तो बहुत आनाकानी करने के बाद आधार कार्ड इन्होंने दिखाया जो कि स्क्रीन पे हम लगा देंगे देख लीजिएगा। और इन लोगों का मकसद क्या है अच्छा जिस बंदे के यहाँ ये लोग रुके हैं वो इनके सपोर्ट में पूरे गाँव से दुश्मनी मोल ले रहा है ठीक है। और उसको ये लोग मतलब जो ये दोनों बंदे हैं ना उसके घर पे पैसा भी देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किस आधार पे कहाँ से इतना पैसा आता है जो देते हैं और कहाँ से ये लोग लाते हैं पूरा मुझे तो लगता है कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए। मैं इनका आधार कार्ड और पूरा वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर से एक बार मैं एड्रेस बता देता हूँ जहाँ ये लोग आते हैं ये डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में तहसील फूलपुर है ठीक है उसका एक थाना है पमई फूलपुर के बगल में पमई के थाने के अंतर्गत एक गांव है नंदेसर ग्राम सभा नंदेसर है उसी नंदेसर ग्राम सभा के का एक पुरवा है नटहिया उसी नटहिया में लाल मोहम्मद नट है उसके घर पे ये लोग आकर के रुकते हैं और कई बार आकर के रुके कई बार लफड़ा हुआ ये तो हम पहली बार देखे तो पूरा वीडियो बनाए हैं और आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा जैसा भी होगा कमेंट में बताइएगा और सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों के प्रति जानकारी हो क्योंकि हो सकता है कि आपके यहाँ भी ऐसे लोग हों। अच्छा इन लोगों से जब हमने पूछना चाहा कि आप लोगों का मकसद क्या है यहाँ आने का जबकि हमारे यहाँ काफ़ी मदरसा है अच्छा जिस आदमी से इनसे बहस हो रही है वो भी मुस्लिम ही है और इस्लाम का जानने वाला है दोनों में बहस हो गई वो बोल रहा है कि ये झूठा प्रचार कर रहे हैं और ये लोगों को बहका रहे हैं बहला रहे फुसला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग
बहला फुसला करके बच्चों को ले जा करके आतंकवादी बनाते हों, क्योंकि सुनने में बहुत सारा ऐसा कुछ आया है, तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो और कमेंट करके बताइए जरूर। तो इसी सिलसिले में जरा बात करने के लिए आए हैं कि भाई वो क्या बोलता है, हम भी जरा सुन लेंगे और जो सच्चाई होगी वो सबके सामने आ जाएगी। हाँ भाई, इसमें और बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, जिसके बाहर जो सवाल किया चल नेता ने बन बैठ बोल रहे हैं ना, ठीक है ना। तो अब ये है कि मतलब जो बात है वो शुरू की जाए और कौन बोलेंगे जरा सा बता दीजिए। जरा मैं बोलूँगा। अच्छा, आप शरीयत की परिभाषा बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरीयत, शरीयत की परिभाषा क्या है? असल ये है, सब बताया जाएगा आपको, सबसे पहले दायरे में बात की जाएगी, ठीक है? एकदम एकदम, पहले कोई एक आदमी बोलेगा तो दूसरा आदमी बोलेगा। जी जी एकदम एकदम। तो फर्स्ट नंबर आप बात करते, पहले आप अपनी बात कीजिए कि आपका असल मकसद क्या है, जब आप बोल के बैठेंगे फिर उसके बाद बात की जाएगी। जैसे आपने कहा कि अभी हम अपनी शरीयत की बात कर रहे हैं, शरीयत से मतलब क्या है आपका, अर्थ क्या है आपका शरीयत से? हो गया, बोल दीजिए, यही मसला है ना, आप लोग सुन लिए ना। देखिए, शरीयत जो है नाम है अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का। कुरान पाक में है अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, ठीक है, वा उलिल अम्र मिनकुम है। सुनिए, बता रहा हूँ आपको, देखिए बीच में नहीं बोलिएगा। नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूँगा, क्योंकि आप गलत पढ़ रहे हैं, आज अधूरा पढ़ रहे हैं। सुनिए पहले, हमको पहले बोले, फिर आप जब बोले तो आप बोलिए, ठीक है? पहले जो बोल रहा है सुन लीजिए, उसको बीच में आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने आयत करीमा पढ़ी अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल की हमें पैरवी करनी है ना, और इसकी जो है तस्दीक, यानी जो मैंने बात बयान की है इसकी तफसीर जो दूसरी आयतों में भी है, ठीक है, मन युति रसूल फ़कत अता अल्लाह, ठीक है, कि जिसने रसूल की अतात की उसने हकीकत में अल्लाह की अतात की। तो इससे भी समझ में आता है कि हकीकत में दीन और शरीयत वही है जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। अब अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो वो अल्लाह और रसूल के दीन के खिलाफ जाता है, जो कि सरासर शरीयत के खिलाफ है, ये शरीयत है, ठीक है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वो उलिल अम्र मिनकुम है, ठीक है, पूरी आयत है। तो आपने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी चाहिए, ठीक है, अल्लाह और रसूल की इताअत करनी चाहिए। अब किसी जो पहले जाहिल था या कोई जो गुमराह था उसकी इताअत नहीं करनी, आपने कहा अल्लाह और उसके रसूल की, फिर बाद में उलिल अम्र मिनकुम है, कुरान की पूरी आयत, कुरान की पूरी आयत है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ठीक है। तो अल्लाह और उसके रसूल की मैं भी कह रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, किसी गैर की नहीं है। और रसूल ने कहा है इन्नी तारीख, हदीस में है, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा मैं बता दे रहा हूँ, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हदीस सकलैन कहते हैं उसको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व तिरती अहले बैत फन तमक्तकुम बेहमा लन तज़िल्ला बादी, कहा है ना, नहीं जानते जान लीजिए और समझिए इसको, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। रसूल ने कहा है, जिस रसूल की बात अल्लाह मानने के लिए कह रहा है उस रसूल ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे अहले बैत, एक अल्लाह की किताब, और ये भी कहा है उज़क्किरू फ़ीकुमुल्लाह अहले बैती, उज़क्किरू फ़ीकुमुल्लाह अहले बैती, उज़क्किरू फ़ीकुमुल्लाह अहले बैती, कहा है रसूल ने, आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, मैं बता रहा हूँ आपको, उज़क्किरू फ़ीकुमुल्लाह अहले बैती का मतलब मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, ठीक है। अल्लाह ने कहा कि कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना है, रसूल ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, उनको पकड़े रहना, उनको भी गुमराह नहीं होगे। तो जब अल्लाह और उसका रसूल जो कहेगा वही माना जाएगा, वही माना जाएगा ना, तो वही वो उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह रसूल हो गया, फिर वो उलिल अम्र मिनकुम जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक अहले बैत हैं, हम अहले बैत को मानते हैं, ठीक है, किसी गैर को नहीं मानते। अहले बैत के अलावा कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अहले बैत के बारे में ही कहा, कुरान में भी आया था इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहलल बैत वयतहिरकुम तत्हीरा, किसी और के लिए नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए है। जानते होंगे शायद आप लोग, मेरे कहने का मतलब ये, जब अल्लाह रसूल की इताअत करना है तो फिर अल्लाह रसूल को छोड़ के दूसरे की इताअत कहाँ कर रहे हैं लोग, मेरा सवाल ये है। हाँ बोल दिया, सुन लिया आप लोगों ने? हाँ सुन रहे हैं, सुनाओ, सब समझ में आया आप लोगों को जो उन्होंने कहा?
अरे सुनाइए आप, सुनाइए, सुनिए, आपको बीच में नहीं बोलना है, ये बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं, काट में बैठा हुआ जब तक ना बोले, ये तरीका बात नहीं है, ये समझी वो बोलेगा भाई, जो तरीका बात करने का, कोई बात करेगा, ये तरीका होता बात करने का, एक मिनट, सब ना बोले, वो सवाल कठिन वो जवाब दे, तो वो सवाल कठिन हो गया, जानकारी जब हम ना है नहीं बा 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 अगर प्रबल बा बतावत है का भाई अरे बतिया ने दूर जैसे बतिया ने बतिया ले बता बोला बोला भैया जब मन मामला बजी हां नहीं बजने का कोई सवाल नहीं तब बस बात खत्म होने वाला है कि इन्होंने जो है एक बात कही कि हम अहले बैत को मानते हैं ठीक है और हम उनकी इताअत करते हैं तो सवाल ये अच्छा इन्होंने जो हदीस पाक पढ़ी है कि कुरान पाक के बारे में कि हाँ कुरान पाक छोड़ रहा हूँ और अहले बैत पाक छोड़ रहा हूँ ठीक है तो तुम्हारे ज़रूरी है कि तुम इनकी जो है मतलब पैरवी करना एक हदीस पाक है हुजूर ने फरमाया है यहाँ पे हमारे नबी ने क्या फरमाया कि अहले बैत की इताअत करनी है और कुरान पाक की इताअत करनी है और जो इन्होंने जो आयत पेश की है वउलिल अम्री मिनकुम उसका मतलब ये बताया है कि इससे मुराद अहले बैत है ना यही उन्होंने मुराद ली है एक हदीस पाक में है वहाँ पढ़े होंगे ठीक है सतफ तरीक़ो उम्मती सलासम व सबईना फ़िरका कुल्लुहा फिन्नारी इल्ला वाहिदा क़िला मन या रसूल अल्लाह क़ाला मा अना अलैहि व असहाबी यह हदीस पाक है हुजूर ने फरमाया कि अनकरीब जो है ज़माने में मेरी उम्मत 73 फ़िरक़े में बढ़ जाएगी मेरी उम्मत हुजूर की जो उम्मत है वो 73 फ़िरक़े में बढ़ जाएगी ठीक है और उसमें जो एक फ़िरका होगा वो जन्नती होगा बाकी सब के सब क्या होंगे जहन्नमी होंगे तो अब सहाबा वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह कि ये जो एक फ़िरका जो जन्नती फ़िरका है उससे मुराद कौन लोग हैं तो हुजूर ने वहाँ ये नहीं फरमाया कि जिस पर मैं और मेरी अहले बैत हैं ठीक है वहाँ हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी कि जिस पर मैं और मेरे तमाम सहाबा हैं तो अब इस हदीस के अंदर अहले बैत दाखिल हैं और जो अहले बैत के अलावा हैं वो भी दाखिल हैं ठीक है तो मेरा पहला सवाल इनसे ये है कि आप इस हदीस पाक का क्या जवाब देते हैं हमको जवाब चाहिए पहली बात दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अहले बैत ठीक है हम अहले बैत के मानने वाले हैं मुझे आप कोई भी सबूत दे दीजिए कि हमने कब कहा कि हम अहले बैत को नहीं मानते हैं ये बात वहाँ की जाती है कि अहले बैत को हम मानते हैं जहाँ पे कोई अहले बैत का मुखालिफ हो यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जो अहले बैत को नहीं मानता है मुझे इसका जवाब दीजिए सवाल नंबर तीन ध्यान दीजिएगा आप लोग इन्होंने जो आयत करीमा पेश की है हम सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आप आलिम दीन हैं और जो आपने आयत का मतलब बताया है वह उलिल अम्र मिनकुम से मुराद अहले बैत पाक हैं और हम उनको मानते हैं हमको इसका हवाला दीजिए आपकी ख़ास इससे वही लोग मुराद हैं हमको इसका हवाला चाहिए मेरा तीन सवाल इसका जवाब दीजिए हमको मैंने आपका जवाब दे दिया चलिए देखिए एक तो बात इन्होंने जो बोली है वो फर्जी बात है ठीक है इसको ज़ईफ रवायत बोलते हैं मतलब मनगढ़ंत रवायत बोलते हैं जैसे रोटी गढ़ी जाती है मनगढ़ंत बातें हैं ठीक है कि जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अल हसन वल हुसैन सैयदल असबाब अल जन्ना ठीक है अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं वह अबू हमा खैर मिन हमा शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं ये नहीं बताया कौन से फिरका जन्नत में जाए लेकिन ये कहा है कि अल हसन वल हुसैन सैयदल सैयद सवाब अहले जन्ना कहा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी कहा है मिन्नी हुसैन वाना मिन्नल हुसैन ये भी कहा है हाजा हुसैन अल फारफो ये भी कहा है इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन नजात ये भी कहा है मन कुंतुमा उलहा मौला हो फाजा अली मौला ये भी कहा है अना मदीनतुल मुवाली व बाबुहा याद होगा अगर नहीं याद है तो मैं याद करा रहा हूँ अगर याद है तो फिर से याद कीजिए आप समझिए उसको मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दिखाइए किसी हदीस में कि अहले बैत ने तरावी बात तरावी से शुरू हुई आप यहाँ पे किसी भी हदीस में दिखाइए कि अहले बैत ने मौला अली सलाम ने इमाम हसन ने तरावी पढ़ी हो आप यहाँ पे दिखाइए मुझे बात तरावी से शुरू हुई है आप दिखाइए अहले बैत ने तरावी कहाँ पढ़ी है अहले बैत को दिखाना है आपको किसी खलीफा को नहीं दिखाना अहले बैत को दिखाना है कि अहले बैत ने कब तरावी पढ़ी कितनी तरावी पढ़ी है दिखाइए आप बात मेन आज मीटिंग सिर्फ तरावी की है कि अहले बैत ने कब तरावी अगर मानते हैं अहले बैत को तो बताएं अहले बैत ने तरावी कहाँ पढ़ी है क्यों पढ़ते हैं तरावी अगर कह रहे हैं कि अहले बैत को मानते हैं अहले बैत ने तरावी कहाँ पढ़ी है दिखाइए आप या तो ये कह दिए कि सिर्फ मुंह से
बकरोली कर रहे हैं, जैसे सिर्फ भौकाल मारे मुझसे कैसे मान रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं मानते। अगर अहले बैत तुम मानते हैं, अहले बैत हम समझे थे, बात समझ रहे हैं, हम समझे थे, हमारे अरबी हुआ था, टेंशन मत, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रसूल ने नहीं जबकि मैं खुद बता, आप देख लीजिए किताब में लिखा है, सही बुखारी है, कि जो दूसरे खलीफा थे, जानते होंगे कप्तान भाई उमर, हाँ जानता हूँ, उन्होंने जो है ये तरावी शुरू कराई है, आप लोग जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है, जो पढ़ते हैं अभी, जो नहीं पढ़ते अभी, खलीफा उमर के टाइम में इन्होंने कहा है अल्लाह और उसके रसूल की अताअत, पहले ध्यान दीजिए आप लोग, किसकी अताअत करनी है, किसकी बात माननी है, अल्लाह की और उसके रसूल की। तो ये बताइए उमर रसूल है, उमर रसूल नहीं है ना, तो उमर ने अबू बकर पहले खलीफा, अबू बकर ने भी तरावी नहीं पढ़ी इनके हिसाब से, इनके मतलब किसी भी किताब में नहीं लिखा कि अबू बकर ने तरावी पढ़ी, और इसमें भी जो लिखा है सल्ला लिखा है, सल्ली माने नमाज होता है, नमन है पूछ लीजिए, ये बोलते हैं सल्ली माने तरावी। अब ये कह दें अगर मैंगो माने कटहर होता है तो फिर इनके मानने वाले माने, लेकिन मैंगो माने मैं ना मानूंगा, सल्ली माने तरावी नहीं होता, सल्ली माने नमाज होता है, यहाँ पे किताब में लिखा है, ठीक है, देखिए नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जानता है, ये लड़का जो है जानता है, ठीक है, ये इनको बहका सकते हो कि सल्ली में तरावी होता है, कप्तान भाई इसीलिए मैं बुलाया हूँ सबको, कम से कम सब जाने कि ये लोग बहक जाएंगे, ये सब जिनको नहीं मालूम है आप बता देंगे मैंगो में कटाल होता है, जो नहीं पढ़ा है वो मान लेगा, मान सकता, लेकिन हमको बताएंगे आप मैंगो माने कटाल होता है तो मैं कभी नहीं मानूंगा, वो मैंगो माने आम ही मानूंगा, ठीक है। बात ये है, मेरे कहने मतलब आप अहले बैत को मानते हैं तो आप साबित कीजिए, बताइए किसी किताब में अहले बैत ने कहां तरावी पढ़ी है, दिखाइए, भाई उसको बोलने का अधिकार हम लोग जानते हैं, डेमोक्रेसी है, रिलैक्स रहो, अभी उनके और इनके आप लोगों ने जो है देखा कि इनके पास हमारे सवाल का जवाब नहीं था, अब इन्होंने क्या कहा, ये हम तीन सवाल किए थे इनको, इन्होंने एक भी जवाब नहीं, सवाल नहीं, ये फंसाना चाहते हैं, इसलिए बात को मतलब बढ़ाना चाहते हैं, सवाल हाँ सवाल गलत है, आपकी जो रवायत वो भी ज़ईफ़ है, तो उससे बहस करना ही बेकार है, ठीक है, तुम साबित करो, पहले साबित मैं बोल रहा हूँ कप्तान भाई कि इसी तरावी के बाद ये लड़के मेरे यहाँ पढ़ने जाते हैं, अच्छा, ये दो लड़के हैं, एक अहमद है और एक अंसार है, दोनों पढ़ने जाते भाई हैं, पहले एक ही ना नहीं। तो मुझे आपसे बैर है, समझ रहे हैं, ना तो इनसे बैर है, मामला यहाँ ये है कि आप इनको किसी आधार पे इनको आप झूठा बता रहे हैं, इनको लगता है, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं ये झूठे, यही मामला है, अगर वो बच्चे आप सुनते रहिए कम से कम ना, आप लोग की क्या सही, हमारी बतिया आप समझ लीजिए भैया थोड़ा सा, समझ रहा हूं आपकी बात, क्योंकि बात है उर्दू शब्द का, उर्दू अरबी जो भी है इसको हम लोग तो नहीं जानते, आप क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, अगर आप इनको झूठा बताएंगे और ये आपको झूठा बताएंगे, अरे मेरी बात पूरी बतिया सुन लीजिए भाई जान, तो साबित करेगा वही कहलाएगा, कहने का मतलब आप साबित वो जो बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, कपोल कल्पना आपका है, इन्होंने भी कहा, आप कह रहे हैं नहीं मैंने जो क्वेश्चन किया उसका मुझे आंसर चाहिए, तो ये कह रहे हैं मुझे उस क्वेश्चन पे आंसर पे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब केवल ये है कि इन शब्द से, क्या शब्द है वो, तरावी 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 नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो वो केवल इतने जानना चाहता है, अब इसका पुष्टि या तो ये आचार्य बने, आप मौलाना एक तीसरा मौलाना हो जो दोनों को साबित करे नहीं दोनों लोग गलत है ये सही है, अरे मौलाना तो हम नहीं बता पाएंगे ना तो ये बता पाएंगे, हो सकता है चच्चू जान, वही चच्चू जान, ये चच्चू जान हो सकता है, जानना और ना जानना, सबसे पहली बार आज तो आदमी ये आलिम है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, इंसान को सबसे पहले इंसान बनना चाहिए, बिल्कुल, सबसे पहले इंसान बने फिर मुसलमान के दर्जे में आए, है ना, ये जिस चीज के भी प्रचार कर रहे हैं, जिस चीज के भी प्रचार प्रसारक में निकले हुए हैं, उसके लिए हमें कोई बने अब करें ये ना करें, लेकिन शरीयत और इस्लाम धर्म अगर इनको कोई बहस करना है मुबाहसा करना, ये तो बैठे हुए हैं, इन्होंने हमको बताया कि इसे मैटर, मैंने कहा 10 मिनट के लिए, लेकिन अगर आलिम से सवाल होगा, एक जाहिल आपकी बात कर, यानी कि ये आलिम नहीं है वो, हाँ, आलिम तो नहीं है, आप कुरान हिफ्ज किए होंगे, ये हिफ्ज कुरान नहीं है, ये हिफ्ज कुरान नहीं है, इसलिए इनकी बात का आपकी सारी बातों का जवाब, लेकिन आप हदीस लाके फिर बीच में पेश करते हैं, जैसे अमरे मिनकुम, या हदीस सकलैन इन्होंने पेश की, या इन्होंने जो कुरान से अगर क्या नाम है आय बल्लिग पेश की,
इन्होंने अभी पेश नहीं की है, जो भी चीजें ये पेश कर रहे हैं तो सारी चीजों का मतलब ये नहीं बता पाएंगे। बताएंगे, मैं जान रहा हूँ, शिया का हर बच्चा बता सकता है, एक शिया का बच्चा ही काफी है सारी बातों को बताने के लिए। इनके ये देख, इनके यहाँ सारी रवायतें मनगढ़ंत है। जैसे अभी तरावी का मामला इसने बताया, इस बच्चे आपको रुकना पड़ेगा। पहले चीज हमने कहा इंसान बनो, नहीं हो रही उनको फूल लगा की जा रही है। मतलब अभी हालात तो कुछ और चल रहे हैं, आप हालात कुछ और बने रहे हैं। बात बनाना सुनिए, बच्चा खड़ा है, बोलो एक मिनट से, बोलो खामोशी बेटा, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बटिया चाहिए, क्या बोल रहे हैं लोग, तेरे लोग का कार्य तो क्या कहते हैं। हम लोग देखो, पहले हम लोग तरावी के बारे में बात हुई तो लड़का थोड़ा सा बोला कि तरावी नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं बोला कि तरावी हाँ सही कुरान में नहीं लिखा है, मेरे उस्ताद हमें बताए हैं, लेकिन हमें मेरे उस्ताद ये नहीं कहे हैं कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, बल्कि ये बोले हैं मैं सही गलत का बता दे रहा हूँ, जो सही होगा वो मानना, जो नहीं सही होगा वो मत मानना। तो हम अपने दिमाग में सोचे, हम जब तक पढ़ नहीं लेते तब तक हम कुछ नहीं किसी को बोलेंगे। तो फिर उसके बाद में ये लोग बोलते हैं, ये आमिर भाई बोले, वहाँ एक लड़का विशाल भाई, इनसे बताएं तरावी के बारे में बात, कि हम लोग बोल रहे हैं तरावी नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये हम के हमको बोले कि चप्पल से मारूंगा, रसूल का खिलाफ जा रहा है, ऐसा बात हो ऐसा बात, हमको ये धमकी दिए। फिर ये बोल रहे हैं कि कौन पढ़ाया जाओ उसे बुला के लाओ, तो मैं बोला भाई साहब बहस नहीं कर पाओगे। फिर बोले जाओ उसे बुला के लाओ, फिर मैं नहीं गया। फिर मस्जिद के पास जब पहुँचा नमाज पढ़ने के लिए, फिर बोले जाओ बुला के लाओ। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, जब मुझे जलील करने लगे मैं अपने उस्ताद को बुला के लाया, तो मेरे उस्ताद आए, ये लोग सलाम किए, फिर जवाब दिए वो। फिर ये लोग पूछे कि क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, यही सिखा रहे हो तरावी नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो मेरे उस्ताद बोले हाँ बताओ कहाँ लिखा है। तो यहाँ पर हमसे आमिर भाई बोले कि लिखा है कुरान में, हमको बल्कि मोबाइल में दिखाए कि कौन सी आयत में लिखा है दिखाओ। तो हम बोले सुनो, तो हम बोले हम पढ़े नहीं हैं, हम नहीं दिखा पाएंगे, चलो हम दिखाते हैं। तो ए आए, तो जब ए पूछने लगे तो इनको जवाब देना चाहिए ना, कोई जवाब नहीं आया। अब ये बताओ, तुम्हें मैंने कुरान में दिखाया, हदीस में दिखाया, तुम इतने बड़े मतलब कि बकलो वाला, तुम्हें मैंने किस चीज में दिखाया, कुरान में दिखाया, हदीस में दिखाया। तुम ये बोले, तुम ये नहीं बोले थे कि अभी इतने काबिल ना वो हो गए, आप आलिम का मसला, आलिम ही सुलझाए, बच्चों के बीच की बात नहीं है, रह गया था। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, रह गया था। जब भी कभी आपको इल्मे दीन की बात सीखनी है तो एक आलिम से बैठ के सीखो ना, हालात ये नहीं है कि तुम इस तरीके की मुजाहरे करो, इस तरीके से बैठ के कोई बातें कर। हमें चार तो वैसे ही हो, उसमें भी अपने आप को इंसान बनना सीखो पहले, इंसान बनने के बाद फिर उसके बाद चाहे जो बनो। और पढ़ना लिखना, एक आदमी हिंदी किताब पढ़ के संस्कृत किताब पढ़ के हिंदू नहीं हो जाता, उर्दू किताब पढ़ के मुस्लिम नहीं हो जाता। क्या हिंदू भाई उर्दू किताब नहीं पढ़ते, दुनिया नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते? तो ये चीजें आपस में, इन सब चीजों को दूर। मेरे यहाँ भी बगल के लोग सब है ना, पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, तो इनको क्या, इनका क्या एतराज, इनका एक इनका इनका एतराज कुछ नहीं। इनका एतराज बच्चे ने पूछा होगा तरावी सर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, है ना, हमारे यहाँ नहीं पढ़ना है, हम नहीं पढ़ते, हमारे यहाँ ना अव्वल, आपके हिसाब से अव्वल खलीफा जनाब अबू का उन्होंने पढ़ा नहीं, न पढ़ाया, न कोई साबित रवायत है। उमर का दौर आया, उमर के दौर में उन्होंने भी बिदात कहा, फिर उसके बाद बिदात अच्छी चीज है, आप यानी उर्दू में हो रही है, अरबी और फारसी में जाने से कोई समझने वाला नहीं है। अरबी और फारसी हाँ वो समझेंगे, हम समझेंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं समझने वाले। एकदम सही बात कर रहे हैं भाई जान। तो उमर ने भी यही कहा कि जो है कि ये बिदात अच्छी है, जब शरीयत में है ही नहीं, आप भी बिदात कह रहे हो, सही बुखारी कह रही है, सही मुस्लिम कह रही है,
आप ही की किताब है, हमारी किताब शियों की किताब नहीं। तो फिर इन सब में मतलब पहली चीज तो हम लोग एक इंसान बनो यार, सबसे मेन मसला इंसान बनने का है। इंसान बन लो फिर उसके बाद कहाँ जाओगे क्या करोगे, पहले इंसानियत सीखो है और कोई चीज नहीं। मैंने जब सुना, मैं जब यहाँ आया मैंने इन बच्चों को देखा, मैंने इन बच्चों से सीधे सीधे कहा आप अपने गार्जियन को समझाओ, आप गार्जियन जो बता रहे हैं अपने गार्जियन से समझो, समझाओ नहीं समझो, गार्जियन की बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, तुम इल्म हासिल करो, जिस मजहब में तुमको अच्छा लगे उस मजहब को कबूल करो। हिंदू अच्छा मजहब या सनातन धर्म अच्छा लग रहा है सनातन धर्म को कबूल करो, सबको आजादी है, सबको आजादी है। अल्लाह ने एक मिनट एक मिनट मेरी बात आपको सुनी सुनी बात मैंने सुन ली आपकी, देखिए बात यहाँ जिस चीज को उसके बाद सुनी दीजिए आप लोग बात कहाँ से नहीं तो नहीं बात सुनिए पहले बता रहा हूँ किस चीज का दायरा होता है बात करने का, ठीक है जी। यहाँ बात किसी खास मसले पर होने के लिए करने के लिए खत्म हुए है ना, अब ऐसा मत कीजिए कि मतलब बात को अब जहाँ से तहाँ ले जा रहे हैं, इंसानियत ये सब ये अलग बात है, ये यहाँ बात है शरीयत की और यहाँ बात है इस्लाम की। तो भाई ठीक है कि तो लड़के पढ़ रहे हैं माशाल्लाह पढ़े, खाली मैं बता दूं यहाँ जो है तो बात ये है पूरा पाठ वाली बात अगर करेंगे तो उस पर तो एक आधा आदमी बोल देगा कि नहीं बे कल आए भाई ये बैठे हुए सब तो बैठे उसी लिए हैं, गलत खुराफाती बात मत करो, आदमी का हिसाब न पैदा करें। ठीक है आज से नहीं हो रहा ना, इसी का सबूत तो देने के लिए सबूत सबूत नहीं दे पाएंगे, अगर मैं बैठा हूँ सबूत नहीं दे पाएंगे। अभी मैं सारी किताबें आपकी मंगाऊंगा, आप ही लाएंगे सही बुखारी सही मुस्लिम लेके आइए, मैं पूछता हूँ जितनी हदीसें आप बयान कर रहे हैं साबित करके दिखा दीजिए, कुरान से साबित कीजिए, अहले बैत से साबित कीजिए, वो पेपर बनाने से कोई चीज नहीं आती सामने, किताब लेके आइए, अगर आपको बहस करना है मुबाहसा करना है किताब लेके आइए। आपने क्या कहा कि साबित नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, हम आपको अपनी हार लिख के दे देंगे सबके सामने, साबित हो गया तब पहली बात तो ये है कि आप में से कोई भी यहाँ आलिम दीन नहीं है, पहली बात ये है। शरीयत के मसले को बयान करने का हक समझने का जो मादा जितना ज्यादा वो आलिम के अंदर होता है, वो आलिम किसी गैर आलिम का टोपी लगाने वाले को आलिम कहते हैं, दाढ़ी रखाने वाले को शुक्र है यार, आलिम से बात अभी मैंने कहा कि ये कोई तरीका बात करने का, आलिम किसे कहते हैं दाढ़ी रखने वाला आलिम कहते हैं, आलिम के माने क्या, आलिम के माने क्या जानने वाला, सिर्फ दाढ़ी टोपी रखने वाला आलिम होता है, मुझे ये जानने वाले को आलिम कहते हैं, जवाब दिया कुछ नहीं, सिर्फ इल्म जिसको होगा चाहे दाढ़ी रखाए टोपी लगाए ना लगाए चाहे कुर्ता पजामा पहने सुनिए 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 उनके कहने का मतलब ये है, सुनिए उनके कहने मैंने कहा ना कि जो शरीयत को फसअलू अहले ज़िक्री फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, आप जानते हो मौलाना अरबी अरबी कुछ पढ़े आप, हाँ हाँ थोड़ा बहुत मालूम है, आप कितना पढ़े इस्लाम अरबी में है या उर्दू में या फारसी में, किसे बताइए बात कैसे भाषण कर रहे हैं आप, अरबी में कर रहे हैं मुझे ये बताइए पहले, आप बात कर रहे हैं, आप अरबी जानते हो ना, आप अरबी बात कर रहे हैं अभी भाई, मैंने आप अरबी में बात कर रहे हैं, मैंने आयत अरबी में पढ़ी है, उर्दू में अरबी में कुरान अरबी में उर्दू में अरबी में, तो आप ये क्यों कह रहे हो है? तो आप ये क्यों कह रहे हो भाई कि अरबी के उर्दू नहीं, नहीं, नहीं ये ना कहो, मैंने क्या पूछा आप आलिम है, हाँ आलिम हूँ, आलिम है हाँ, अरबी कितना पढ़ा आपने, अरबी जितनी होती है उतना पढ़ा है, कितना डिग्री बताइए हमको कितना पढ़ी कितनी होती है डिग्री, मतलब कुछ पता नहीं आपको, आप आलिम कैसे पढ़े, मैं पूछ रहा हूँ कितनी होती है बताइए, तो मतलब ये हुआ कि इनके पास डिग्री आलिम के नहीं, देखिए हम आपको पहले देखिए बस ये पहले मैं बाद में बोलिएगा दिखाऊंगा कि जब ये आलिम दीन नहीं है, मतलब क्या हुआ दीन के आलिम नहीं है, आलिम इंग्लिश और हिंदी के आलिम है इसका इनकार नहीं है, आलिम का मतलब जानने वाला होता है नॉलेजर, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप दीन के आलिम नहीं है, दीन का आलिम नहीं जानता, जब दीन किसे बतावा जब जानत है दीन का आलिम, अरे यार सवाल का जवाब तो अभी आगे बोला तो नहीं कहोगे, एक हमें जानने वाला जब कोई नहीं पा रहा है, एक जानने वाले को बहस कर ही नहीं पा रहे, जानने वाले क्या बहस करोगे यार, काहे बोले थे यार, मैं
मैं सिर्फ यहाँ पे कहने के लिए इतना आया हूँ, हम क्या पता ये सोच रहे थे कि शायद कोई पढ़ा लिखा इंसान उससे मैं बहस करूंगा, लेकिन जब देखा कि ये लोग बहस कर रहे थे डिग्री है पढ़ाई लिखा नाम कैसे कर रहे हो, कोई पढ़ाई लिखे नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि धर्म के बारे में जानने वाला कोई नहीं है, मैं जानता हूँ कि धर्म के भी अपने भी जानता हूँ, पहले आप बात सुन दो मिनट बैठिए बैठिए आप बैठिए देखिए हम बैठे दो मिनट, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये खलीफा को मानते हैं, आप बात सुनो पहले बात सुनिए, आज ये खलीफा को मानते हैं, हम जो रसूल को मानते हैं ठीक है, हम रसूल अहले बैत को मानते हैं, रसूल और रसूल के बच्चों को मानते हैं, ये जो रसूल के नौकरों को मानते हैं, गुलाम को, उनके खलीफा को मानते हैं, रसूल के खलीफा नहीं, मीटिंग वाले सिर्फ जो पंचायत से मीटिंग खलीफा बने थे उनको मानते हैं, जिनको रसूल ने जिनको कहा मनकुन तो मौला हो फाजा अली मौला, उन्होंने तराबी नहीं पढ़ी है, अगर उन्होंने पढ़ा होता तो मैं पढ़ता तराबी, दिखाइए मौला अली ने तराबी पढ़ी हो, इमाम हसन ने तराबी पढ़ी हो, इमाम हसन दिखाइए आप इसी पे बात, और दूसरी बात यह कि लड़के जब पढ़ने आते हैं मेरे यहाँ तो ये गाँव वाले बोलते हैं ये साले काफिर हो गए हैं, मुझको भी बोलते हैं काफिर हो गए हैं, ठीक है बताओ तो वो बताओ नहीं कहा, कौन गाँव वाले बोलते हैं ये गाँव वाले पहले खुद काफिर थे, कौन नहीं था यहाँ पे, ये बोलते हैं कि ये काफिर हो, दोबारा ये चीज ये बोलते हैं गलत नहीं है सही है, अगर ये बोलते हैं तो खुद को गाली देते हैं, ये बोलते हैं कि ये काफिर हो गए भैया ठीक है, ये बोलते हैं काफिर माने क्या है, काफिर माने होता है दीन को ना मानने वाला ठीक है, और दीन का मतलब इस्लाम को ना मानने वाला और बाकी कुछ नहीं, ये बोलते हैं ये बच्चे हम में बताइए देखा सुना, ये बोलते हैं हिंदू काफिर सिया काफिर है, हम लोग सिया समझते हैं ठीक है, ये बोलते हैं हिंदू काफिर सिया काफिर है, तराबी नहीं पढ़नी काफिर इसलिए कि तराबी नहीं पढ़ता ठीक है, काफिर नहीं नहीं पहले सिया काफिर कैसे हुआ, हाँ तो इस्लाम मानता ही है, हाँ किस लिए काफिर है, अब इस्लाम में हर हर घर में हर चीज को नहीं मान सकता, तराबी जो ना पढ़े ये बोलते काफिर है, मुसलमान काफिर है, पढ़िए उसकी बात नहीं, आप पढ़िए शांत रहो शांत रहो, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़े ये जितना मन का है उतना पढ़े, तराबी लाल बाबा बिल्कुल खत्म ठीक है, दूसरे घर ना बैठा, अभी आप फोन कीजिए, अभी आप फोन कीजिए सऊदीया में, नमाज रहते हैं सऊदीया में, सऊदीया में सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ी जाती है, आप फोन करके पूछिए या नहीं से पूछिए, फोन करके जो जो रहता है तरावी पढ़ाई पड़ी जाती है 8 रकात पड़ी जाती है, 8 रकात आप अभी मैं बात कराता हूँ सऊदी में ठीक है, 8 रकात मारा ठीक है, जानते होंगे वहाँ इस्लाम और सऊदी है ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि गलत कही ना, जब रसूल ने देखिए कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब ये तराबी पढ़ेंगे तो ये मुसलमान, मैं तराबी नहीं पढ़ूंगा मैं काफिर हूँ, मैं यही सोच जानना चाह रहा हूँ, बैठिए पहली बात बैठिए सब, ये लफड़ा ना झगड़ा ना हो, रिलैक्स रहा मामला खोलने के लिए रिलैक्स, हमारे चाचा हम मैं काफिर कहे रहे और कहा था तुम लोग गांव से निकाल दिए जाओगे और तुम लोग का खाना पीना सब खान पीन सब बंद कर, हमारे चाचा चाचा मतलब लाल मोहम्मद भाई, हां तो बस, और कहा ध्यान से देखिए इस आदमी को, ठीक है देख लीजिए बोलिए देखिए, पहली बात तो ये है बार बार ये बात कर रहे हो, अरे दूर दूर खड़ा हो गया, ये जो काफिर कहने वाला है कि तुम काफिर हो तुम मुसलमान नहीं, ये कौन कहने वाला भाई जिसके पास कुछ भी इल्म नहीं है, हाँ सही ये भी सही है ठीक है, अरे भैया जाहिल तो पता है जाहिल के बारे में कहा गया है, ये बात ये इतनी पंचायत करने वाली चीज नहीं थी, आप लोग पंचायत यार ये सब मामला आपस के मसले हैं, बैठ के बच्चों को बताओ समझाओ और उसके बाद इंसान अब हमारी बातों का अनर्गल ले रहे हैं, सही बात है तू नहीं हम पता बहस इनसे कर रहे थे बीच में आपने बहुत लंबी गुफ्तगू करी, भाई बहस इनसे कर रहा था, अब अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सामने आप ही का आदमी मेरी तारीफ कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो यार, अच्छा आप ही पहले बोलिए फिर हम बोलेंगे, क्या मैं बोलूंगा, बोले वाली बात ना,
जोन अग्रवाल भाई कहे नहीं के दिन ही बात समझे ज्यादा उलझे वाली बात नहीं कोई बात नहीं थी जैसे दो जने मौलाना वो जो बैठ जाते हैं कहा भैया सही है कहा गलत हाँ लोग जान जाते हैं अगर जा रहे मिसाल के तौर पे हम पढ़ा लिखा में हुई हमें ना मालूम है यह जाहिल है सीधा सवाल हम लोग जानते हैं रसूल और रसूल के नवासे को जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं बहुत बहुत खत्म सीधे सीधे है ना अच्छा खत्म बात बस हो गया हाँ आपसे पूछते हैं कौन नहीं मानते अमल भी करना हम नहीं मानते मानने की बात नहीं उनके शरीयत पे अमल करना यही कह के तो बच्चे कोशिश कर रहे हैं यही कह के बच्चे कोशिश कर रहे हैं हमको क्या मालूम आप कह रहे हैं नहीं मानते इसका मतलब कि मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं नहीं आप बच्चे कोशिश इसी पे कर रहे हैं ना क्या इल्जाम आप इल्जाम समझ रहे हैं ये चाहे जो समझे यही कहे कि बच्चे कोशिश कर रहे हैं क्या बात बड़ी बात इकुल छोड़ा इकुल बहुत बड़ी बात ना है पहले ही बताओ तू कोने अधिकार से है आए हैं बात करते तू मतलब मकसद झारखंड से आपका क्या भावनात्मक मकसद है किस आधार पे आप यहाँ बच्चों को बात करने के लिए इसी मकसद पर बात करने केवल नटैया नहीं खाली नटैया सही कहा था चाचा नटैया जो कानून मुकर्रर किया था एक किसी दायरे में अरे कानून मुकर्रर नहीं हमारी बतिया सुनिए अरे यार क्या बात कर रहा हूँ कानून जान जाएंगे मैं जो पूछ रहा हूँ उसको आप बताइए जैसे झारखंड से आप किसी संस्था से आए हैं तो अभी समझ यार यार सुनो भाई हाँ सुनो सुनो मेन पॉइंट वाली बात सुनो हम कि आप झारखंड से कैसे आए आपको राज्य ने भेजा है कि धर्म ने भेजा है आपको आपको भेजा किसने हमारे कानून की शरीयत कानून संविधान का होता है ना तो शरीयत का अगर यहाँ आप आए हैं तो यहाँ अगर बात हो रही बात संविधान की है नहीं सुनिए अरे कहाँ पहुँच जाएंगे यार यहीं हम बैठे कहाँ की बात कर रहे हैं पता ये जमहूरी मुल्क है जमहूरी कंट्री है ये जमहूरी आदमी को मतलब डेमोक्रेसी हर आदमी को यहाँ पे अपने अपने आधार से जीने का हक होता है आधार से नहीं संविधान के आधार से आधार का मतलब ये है कि अपने मजहब और अपने जो है अपने मजहब और धर्म का प्रचार कर सकता है लेकिन अगर राष्ट्र विरोधी वाक का प्रचार करता है अरे कहे नहीं आप झारखंड से केवल नटैया में ही क्यों आए कहाँ की बात करो कहाँ की बात कहाँ काम करा है समझ में नहीं आई देखिए पता बात को आप फैलाएंगे तो बात बहुत दूर फैल जाती है ठीक है हम सिर्फ दायरे में इनसे बात करने के लिए इनसे नहीं ये तो बात की बात है सवाल सुनिए हम सवाल सिर्फ इनसे करें क्योंकि एतराज इनका असल में है ऐतराज हमारा भी आता है हम क्यों आए हमारे पहले कब आ रहे हैं एक पहले कब आ रहे हैं हाँ कौन इस्लाम का अच्छा है नहीं नहीं मैटर बहुत गंभीर मैटर है और बहुत आदिकाल से मैटर चला रही है एक आदमी बात करो बीस आदमी ना क्योंकि हम यहाँ तो लीडर ही नहीं करने आए केवल यह हमको खतरा है कि आप कितने लोगों को यहाँ से लेके जा रहे हैं क्या जुगन क्या मामला लेके जा रहे क्यों ना लेके जाए आमिर ये लेके जा रहे हैं पढ़ने के लिए पूना ले पूना ले पढ़ने के लिए वो पूना ले छोटे छोटे लड़कियों के पूना ले जाए पढ़े खान छोड़ी ये चीज आप मत कहिए सुनिए बता दो आप कहीं भेज सकते हैं भेज सकते हैं अभी यार हालत की बात करो अभी वो जान जाएंगे अभी सबको समझ में आ जाएगी यहाँ ऐसी बात मत करो जो आपको करना आप करिए नहीं मना कर रहा नहीं कही जाती ये सरेआम नहीं कही जाती हालात यूपी के आप नहीं सारे जान रहे मैं बोलना नहीं चाह रहा पुलिस सबके चले वही न्याय हो अभी सही है मैंने पहले लफ्ज इसी करके खत्म किया बाकी चीजें मैं इतनी बात करने के आप नहीं अभी अभी बच्चा था सुनिए सुनिए आप वही चीज करना चाहिए था आप भी लोग कई बात कर सकते थे इस बात वही बात कर यूट्यूब चल रहा है चैनल चल रहा है पूरी दुनिया देखेगी इसको महल के एक लड़का काय पे बिहार से चला है बेवकूफी बात मत करो आप इतना बात है विषय बन जाएगा अभी विषय खराब हो जाएगा आप लोग बात सुना हमारा दूसरी बात करा तुम कुछ
सौ रखा तरावे लेकिन ठीक है। अगर कहा कि हम काफी रहे तो फिर यहीं से एफ आई आर लिखा है तुरंत चल जेल में। आधार कार्ड है, आधार कार्ड आधार कार्ड मतलब ये कि तू चाहे जो उनका लेकिन हमें काफी हमें काफी फिर काफी जेल में जाए। सुना पहले हमारे पास सुना पढ़ा आधार कार्ड मांगा आधार कार्ड ये अपन पढ़ा या अपन पढ़ा लेकिन ये काहे पढ़ाई है ये हमें काहे पढ़ाई है आप पढ़ा पाओगे ये सब बात करीबी है यार आप ऐसी बात ना करिए हमारी बात आपका सुनो भी नहीं है पहले वो लोग को पकड़े वो लोग को ये बनता सही है मामला बहुत गंभीर है तू समझ ना पाओ जदि इस दुनिया तुम्हें कुछ ना पता है बै कर थे फोटो ले फोटो आधार कार्ड फोटो ले पूरा बढ़िया फोटो लो अच्छा ले 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 सिगरेट वाला वीडियो बना बता